एक स्टिकर के पीछे पागल ना होके असली में जान सकते हो कि डिस्काउंट है या किसी चीज पे या नहीं। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, कंपनी वाले अपना घर बेच के आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। इंटरनेट का बाजार पूरी तरह से डिस्काउंट से सजा पड़ा है, और ऐसी बात नहीं है, डिस्काउंट है भी लेकिन कुछ सामानों पर। तो एक चीज पे डिस्काउंट देके दुकानदार जैसे बाकी की चीजों पे निकाल लेता है अपना खर्चा, लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव क्या हो रहा है कि जो यूजर है उसके दिमाग में आ रहा है कि सब चीजों पे डिस्काउंट है, ए से लेके जेड चीज पे। तो वो सोच रहा है कि अभी जो फ्यूचर में भी उसको किसी चीज की जरूरत है तो वो अभी खरीद रहा है, और क्या पता उसे जरूरत है या नहीं भी, लेकिन उसे लग रहा है डिस्काउंट है तो खरीद लो चार पांच चीजें, जबकि ये पैसा अभी और कहीं भी काम आ सकता है। तो भाई हम डील मिस नहीं कर देंगे अगर ऐसे ही सोचते रहे तो। अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप असली में जान सकते हो कि डिस्काउंट है या किसी चीज पे या नहीं, या आपको सेल का नाम देके बस पागल बनाया जा रहा है। तो आप इसका पता पीसी पे और मोबाइल दोनों पे कर सकते हो। तो अगर आप पीसी पे अमेजोन से सिर्फ शॉपिंग करते हो तो आप कीपा नाम का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, बेस्ट है, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजोन दोनों से करते हो तो ये वाला कर लो। इसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट की पुरानी जो प्राइस है, जितने पे वो नॉर्मली बिकता है, और उससे पहले जो सबसे सस्ते में वो कब बिका था, आपको इसमें सारी प्राइस हिस्ट्री पता चल जाएगी। और अगर आप मोबाइल पे हो तो ये वाली ऐप डाउनलोड कर लो, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसको शेयर कर दो इस ऐप के साथ। तो ये आपको उसकी सबसे सस्ते पे कितने पे बिका था, कितनी उसकी नॉर्मल प्राइस रहती है, अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो सही है या नहीं, उस ऐप में आपको पता चल जाएगा। तो आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो कि ये सच्ची में डिस्काउंट है या फिर एक टैग है वो सेल का। तो इससे आप अपने पैसे बचा सकते हो। थैंक यू, और अपने परिवार वालों और दोस्तों को भी अवेयर करो इस चीज के बारे में।